क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। पुणे टेस्ट में भारत ड्राइविंग सीट पर है और एक तरह से पूरा टेस्ट मैच भारत के ही कब्जे में है और टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार है। पहले भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल दिखाया तो फिर गेंदबाजों ने भी अच्छा खेल दिखाया। हालांकि पिछले मैच के हीरो रोहित शर्मा यहां पहली पारी में बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, मगर रोहित के चाहने वालों की यहां कोई कमी नहीं थी। पुणे के मैदान में तो एक शख्स रोहित शर्मा के पैर छूने मैदान के बीचों बीच पहुंच गया। अब ये तो ठीक था, लेकिन इसके तुरंत बाद हिटमैन रोहित शर्मा ने अपने ही फैन का मजाक उड़ा दिया। तो क्या हुआ, मैदान के बीचों बीच आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। आप भी कमेंट करें कि अपने फैन का मजाक उड़ाना कितना सही है, कमेंट जरूर करें। तो ये सब कुछ हुआ जब अफ्रीका का 7वां विकेट मुथुस्वामी के रूप में आउट हुआ। मुथुस्वामी के आउट होने के बाद नया खिलाड़ी मैदान में आ रहा था, तभी स्टैंड से एक दर्शक भागता हुआ रोहित शर्मा के पास पहुंच गया और स्लिप में खड़े रोहित शर्मा के पैर छू लिए। अब कुछ देर के लिए खेल रुक ही गया क्योंकि अचानक रोहित का फैन मैदान में आ गया था। अब उस फैन को तो बाहर ले जाया गया, लेकिन फिर जो मैदान में हुआ वो हैरानी भरा था। अपने फैन के जाते ही रोहित शर्मा कुछ ऐसे अपने ही फैन का मजाक उड़ाने लगे कि वो तो पैरों में ही गिर गया था। वहीं रोहित को देखकर कप्तान विराट कोहली भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। विराट ही नहीं बल्कि अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा भी इसे लेकर हंसते रहे और कुछ देर तक खेल रुकता रहा और वो सारे मिलकर रोहित शर्मा के फैन का मजाक उड़ाते रहे। वैसे आपको बताना कि महेंद्र सिंह धोनी के फैंस कई बार उनसे मिलने और पैर छूने मैदान के बीचों बीच पहुंचे हैं, मगर धोनी ने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। और ऐसे में रोहित शर्मा से भी अपने फैन का मजाक उड़ाने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।